हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम लगातार नकेल कस रही है। शुक्रवार को बाड़मेर जिले की एसीबी की टीम ने बाड़मेर डाकघर के अधीक्षक को 7,000 की रिश्वत लेते लंगे हाथों ट्रैप किया है। जानकारी के अनुसार डाकघर बाड़मेर के एक कार्मिक ने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई थी। जब वो अस्थायी था तब उसका एरियर बाकी था और उसे रिलीज करवाने की एवज में बाड़मेर डाकघर के अधीक्षक ने 7,000 की रिश्वत मांगी है, जिस पर एसीबी की टीम ने पूरे मामले का सत्यापन करवाया और सत्यापन सही पाए जाने पर शुक्रवार को डाकघर कार्यालय में 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। बाड़मेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निरीक्षक मुकुंद दान ने बताया कि एसीबी के एएसपी रामनिवास सुंडा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और परिवादी की शिकायत सही पाए जाने पर आज डाकघर अधीक्षक संग्राम बंसाली को 7,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है और अब उनके घर की तलाशी ली जाएगी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मुकुंदांग निरीक्षक एसीबी बाड़मेर इन्होंने ये कहा। ये प्रधान डाकघर के अधीक्षक है संग्राम भंसाली, इनके एम कर्मचारी है जिन्होंने शिकायत की थी कि मेरा जो एरियर बकाया है और एरियर जो बकाया एरियर है वो मुझे रिलीज करने के एवज में अधीक्षक संग्राम भंसाली मेरे से रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर सत्यापन करवाया गया और जब पैसों की इसके पास में इसने कहा था कि मेरी तनख्वाह आएगी जब पैसे दे पाऊँगा, तो जब कल परसों उसकी तनख्वाह सैलरी जमा हुई तो उसके बाद में आज ये रिश्वत के पैसे संग्राम भंसाली ने प्राप्त किए और कार्रवाई जारी है। और भी कोई रिश्वत की सूचना या किसी और से लेनी ऐसी कोई बात अभी तक सामने आई है? ये अभी तक तो केवल इस परिवादी से रिश्वत प्राप्त की है जिस पर कार्रवाई चल रही है। एरियर 2,09,000 के लगभग इसका एरियर था। क्या घर पे भी सर्च? बिल्कुल, सर्च घर पे जारी है और जो भी आगे कार्रवाई होगी। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।